शहर में जिस प्रकार से चोरी की घटना में इजाफा रहा है, उसके तहत इन चोरी की घटनाओं की रोकथाम हो, इस उद्देश्य से कार्रवाई करते हुए तहसील पुलिस ने दो चोरी की वारदातों का खुलासा कर मामले में लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने अधिक जानकारी साझा की। शहर में आपराधिक घटनाओं में कमी आए, इस उद्देश्य से शहर पुलिस हमेशा ही कार्यरत है। इसी के तहत चोरी के दो मामलों का खुलासा कर मामले में लिप्त आरोपियों को गिरफ्तार करने में तहसील पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। बात करें जब पहले घटना की, मिली जानकारी के अनुसार विश्वास नगर जरीपट का निवासी फिरियादी दिलीप पंजवानी ने सूत मार्केट राणा बिसिंग कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में अपनी दोपहिया गाड़ी रखी थी, जहाँ से आरोपी गाड़ी चुरा कर फरार हो गया। इस मामले की शिकायत आरोपी ने जरीपट का पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी चेतन उर्फ चैतन्य मुदेकर को गिरफ्तार कर उससे 15,000 का मुद्देमाल जब्त किया। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जयेश भंडारकर ने अधिक जानकारी साझा की। दिनांक 9/2/2021 को जरीपट का निवासी दिलीप दर्शन लाल पंजवानी सूत मार्केट में आए थे। उन्होंने सूत मार्केट अपनी एक्टिवा गाड़ी MH49Q08297 पार्क की थी। जब वो वापसी घर जा रहे थे शाम को, तब उनको सूत मार्केट में गाड़ी दिखी नहीं। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस स्टेशन तहसील में अपराध नंबर 888/21 कलम 379 दर्ज था। हमारे मार्गदर्शन में क्राइम PI एडगे APR बागुल, हेड कांस्टेबल शाहू कुशराम इस गुंडे की तलाश कर रहे थे। तब उन्होंने इस गुंडे में आरोपी चैतन्य उर्फ चेतन गंगाधर मौंदेकर उम्र 25 साल नंदनवन झोपड़पट्टी PS नंदनवन इसको हिरासत में लिए और उसको पूछताछ करने के बाद आरोपी ने इस गुंडे में चुरा के लेके गई एक्टिवा गाड़ी MH49Q08297 कबूल किया और रिकवर हो गई, 15,000 की गाड़ी रिकवर हो गई। साथ ही सितंबर अगस्त महीने में पुलिस स्टेशन तहसील में घरपोड़ी के दो गुंडे दाखिल थे। अपराध नंबर 735/21 कलम 457 भादवी। वही दूसरी घटना में फिरियादी अनिल शुक्ला ये किराए से रहने के लिए दूसरी जगह जा रहे थे, इसलिए सामान शिफ्ट करने के लिए उन्होंने तीन मजदूरों को बुलाया था, जिस दरमियान उन तीन लोगों में से एक व्यक्ति ने फिरियादी को नीचे खड़े रहकर अलमारी पकड़ने के लिए कहा। हालांकि बहुत देर होने के पश्चात भी विन नहीं आए, जिससे आरोपी को संदेह हुआ, जिसके बाद ऊपर जाकर जब उन्होंने देखा तो अलमारी का लॉक टूटा हुआ था। इसकी शिकायत फिरियादी ने तहसील पुलिस थाना अंतर्गत दर्ज कराई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सुरेश प्रजापति को गिरफ्तार कर उससे कुल 92,500 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज नागपुर।